हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल के बड़े। मिक्स दाल के बड़े बनाने वाले हैं और कैसे बनते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे बनते हैं मिक्स दाल के बड़े। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तभी आपके बड़े अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लिए हैं, बड़ा सा बाउल लिए हैं, और उसमें डालते हैं एक कटोरी मसूर दाल, और सेम उसी कटोरी से एक कटोरी हम खेसारी दाल डालते हैं, और एक कटोरी हम डालते हैं उड़द दाल, और सेम उसी कटोरी से हम डालेंगे दो कटोरी चना दाल। डाल रहे हैं, देखिए इसी कटोरी से हम डाल रहे हैं, तो एक कटोरी हम डाल दें, एक कटोरी हम और डालते हैं, तो दो कटोरी हम सेम इसी कटोरी से डाले हैं चना दाल डालें। दाल की क्वांटिटी आप सही रखेंगे तो आपके मिक्स दाल के बड़ी बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो देखिए हम सारे दाल को मिला दिए हैं, और मिलाकर इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी हम डूबने तक डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब ये दाल फूलेंगे ना तो ये पूरे भगोने हो जाएंगे, पूरे बाउल भर जाएंगे, उतनी हमें पानी डालनी है। तो हमें पानी इसके डूबने से भी ऊपर तक हमें पानी डालनी है। तो हम पानी डाल दिए, अभी हम इसे ढक कर करीब करीब 3 से 4 घंटे तक इसे रहने देते हैं। तो 3-4 घंटे बाद इसे खोल कर देखते हैं, देखिए कितनी दाल ऊपर तक आ चुकी है, ये दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसे 3 से 4 पानी से धो लेते हैं। देखिए तोड़ कर दिखाते हैं दाल को, ये टूट रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दाल अच्छे से फूल चुके हैं। 3-4 पानी से धो लेते हैं, अच्छे से वाश कर देते हैं, उसके बाद आते हैं। तो ये देखिए हम दाल धो चुके हैं, अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, और हाँ दाल को हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसनी है। तो ये दाल लिए अब हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए सारे दाल को हम पीस लिए हैं, थोड़ा दरदरा है। अब हम टमाटर लिए हैं, टमाटर ये छोटे छोटे हैं, लगभग 250 ग्राम 500 ग्राम के करीब होंगे, 400 या 500 ग्राम के करीब होंगे टमाटर। ये टमाटर मेरे घर के हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, और पके पके लाल लाल टमाटर लाइए, और ला कर इसे काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर मिक्सी में अच्छे से बारीक से पीस लें, और पीस कर इसमें डाल दें दाल में। देखिए दाल तो पीस कर रखे थे, अब इसमें हम डाल देते हैं। देखिए तो उसी जार में हम पीसे हैं जिसमें हम दाल पीसे थे, उसी में हम टमाटर भी पीस लें और इसमें डाल दिए, और डाल कर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो पहले हम चम्मच से मिलाएंगे या करछी से मिलाएंगे, उसके बाद हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि इसे मिलाना फेंटना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये फेंटेंगे नहीं तब तक आपके बड़े खिलेंगे नहीं। तो देखिए ये तो अभी हम चम्मच से मिलाए हैं। अब हम आलू ले लिए हैं, आलू हम 5 से 6 पीस लिए थे, उबाल लिए हैं, और उबाल कर इसे छील लिए हैं, और छील कर ठंडा करके इसे हम कद्दूकस कर देते हैं, क्योंकि आलू को हमें मैट करना है, मैसना है। तो जब कद्दूकस नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से गिल्टी टूटेंगे नहीं। तो इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं, और इसे अच्छे से मैस लेते हैं ताकि इसमें गिल्टी ना रहे। इस तरह से ऐसे दबा दबा कर, आप चाहे तो कटोरी से भी मैस कर सकते हैं या कुछ से भी इसे, ताकि इसमें गिल्टी ना रहे। कुछ से भी मैस सकते हैं ताकि इसमें गिल्टी ना रहे। तो हम आलू को अच्छे तरह से मिला लिए हैं, मिक्स कर लिए हैं, देखिए इस तरह से ऐसे, ताकि ये मैश हो जाए। अब हम इस आलू को डाल देते हैं दाल में, जो भी हम दाल पीस कर रखे थे उसमें हम डाल देते हैं इस तरह से ऐसे, देखिए। और दाल में डालकर हम हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सारे बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मिल जाए। तो इस तरह से आप चाहे तो, अगर ये भगोने भर चुके हैं, बाउल भर चुके हैं, तो आप दूसरे बर्तन में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी में मिला लेती हूँ। देखिए इस तरह से ऐसे मिला मिला कर अच्छे से हमें मिला लेना है, ताकि सारे बैटर अच्छे से मिल जाए। और इसे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे पाड़ कर देख लेते हैं बड़ी बना कर, कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो ये मेरे परफेक्ट हैं, मिल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसे साइड में रख देते हैं, इसमें कोई मटेरियल नहीं डालनी है, ना हमें नमक डालनी है, ना हमें कोई मसाला डालना है, कोई चीज़ नहीं डालनी है हमें, बस यही सब मटेरियल डालनी है। हम छत पर कपड़ा बिछा दिए, साफ कपड़ा, और वहाँ हम बड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। आप चाहे तो बॉटल से भी बना सकते हैं या कुप्पी से भी बना सकते हैं। हम कुप्पी से भी बनाए हैं, बॉटल से भी बनाए हैं, लेकिन हमें सबसे आसानी से हमें हाथ से ही बनाने में अच्छा लगा, तो हम हाथ से ही बनाने लगते हैं। बॉटल से भी बनाना बहुत ही आसान है, बॉटल के ढक्कन में एक छेद कर दीजिए और बॉटल दबाते जाइए, और ये बड़े बनते जाएंगे। और कुप्पी बनाना भी बहुत आसान है, पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं आपको। तो आप जैसे चाहे उस तरह से बड़े बना सकते हैं, हम हाथ से ही बना रहे हैं। और जब जब बड़े बनाए, थोड़ी सी जब ख़त्म हो, तो इस तरह से ऐसे मिला लें। जब ये मिलाएंगे तो आपके बैटर जो है वो
ऊपर तक फैलेंगे, खिलेंगे। जब इस तरह से ऐसे बैटर मिल जाएंगे तो आपके बड़ी खिले खिले से रहेंगे। जब बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे तो वो जल्दी खिल जाएंगे, फूल जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे बड़ी को बना लिए हैं, अच्छे से बना लिए धूप में, और पूरा दिन इसे सूखने के लिए रख दिए हैं। जब पूरा दिन सूख जाए और हाँ, जब ये पछुआ चले तभी बड़ी बनाए। पछुआ चलता है, पछुआ हवा चलती है, तब ये बड़ी बनाए तो एक दिन में ही सूख जाती है। और वो बड़ी बहुत ही अच्छे बड़ी की सब्ज़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिए, अब हम खोलकर एक छुड़ा कर दिखाते हैं कपड़े से। देखिए ये बड़ी अच्छे से सूख चुकी है। अगर ये नहीं सूखेगी तो ये कपड़े में चिपके चिपके से रहेंगे। इसलिए जब पछुआ चले तभी बड़ी को पाड़े बनाएं, यानी कि तो हम इसे उजाड़ कर रख लिए। अब एक दिन, पूरा दिन इसे हम धूप में ऐसे ही सुखाएंगे कपड़े पर फैला कर। तो एक दिन फिर से इसे धूप में सुखा लिए। अब ये सूख चुके हैं बड़ी। अब हम इसे एक डब्बे में रख देते हैं, एयर टाइट डब्बे में रखते हैं, ताकि बरसात के दिनों में इसकी सब्ज़ी हमें बनानी है तो एयर टाइट डब्बे में रखेंगे, तभी तो ये अच्छे रहेंगे, हवा नहीं लगेंगे। तो हम इस डब्बे में रख देते हैं बड़ी को, और रख कर इसे रख देते हैं साल भर, 6 महीने के लिए ये रह जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक अगर नहीं बना है तो कृपया प्लीज़ जल्दी से आप मिक्स दाल की बड़ी ज़रूर बनाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें।